Okay, guys, let's continue with the rearrangement of carbocation with respect to ring expansion and ring contraction. So let us revise first. If you talk about cycloalkane, they experience angle strain because the actual angle is not equivalent to the angle with respect to the hybridization of the carbon atom. Let's compare cycloalkane, cyclopropane. If you remember from my previous lectures, I've explained that cyclopropane in carbon atom is sp3 hybridized ideal angle should be 109 degree 28 minutes but the angle inside is 60 degree so it shows a lot of deviation and this structure becomes highly unstable similar to that of a cyclobutane sp3 109 degree 28 minutes hona chahiye, but the angle is what 90 degree but this is little more stable than cyclopropane then you have cyclopentane in case of cyclopentane the angle inside is around ट डिग्री तो साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन, बिकॉज इट इज क्लोज टू द वैल्यू ऑफ वन नॉट नाइन डिग्री एंड ट्वेंटी एट मिनट्स और सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है साइक्लो हेगेन का सो इफ यू अरेन्ज देम इफ यू अरेंज़ ऑल दीज रिंग्स, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन पेंटेन साइक्लोहेक्न हेपटेन साइक्लो ऑक्टेन एंड टॉक अबाउट दियर रिंग स्ट्रेन तो सबसे मिनिमम रिंग स्ट्रेन होता है साइक्लो हेगेन में दैट इज अराउंड जीरो किलो जूल्स पर मोल वी आर कैलकुलेटिंग इन किलो जूल पर मोल कोई कोई जगह पे जीरो पॉइंट फोर किलो जूल्स पर मोल भी है ठीक है इट्स फाइन सबसे हाईएस्ट ट्रेन आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपेन में बिकॉज द एंगल इज वेरी फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल एंगल जिससे हम लोग रिविजन कर रहे हैं दैट इज अराउंड वन किलो जूल साइक्लोब्यूटेन इज वन किलो जूस साइक्लोपेंडे इज ट्वेंटी किलो जूल साइक्लो हेप्टेन इज ट्वेंटी एट किलो जूल साइक्लोकटेन इज फोर्टी किलो जूल इफ़ यू टॉक अबाउट साइक्लो नॉने नाइन कार्बन इट बिकम्स फिफ्टी फोर cyclohexane is 55 because as you're moving away from far away from the ideal angle the strain will increase so stability in cyclohexane key and everyone try to increase their size or the number of carbon atom in the ring to get reached to the close more stable structure that is cyclohexane so the smaller ring will try to expand if they can during the formation of carbocation, and this larger ring, they try to contract and convert themselves into what cyclohexane during the time of rearrangement reaction. Okay, now let us take an example in this and let us try to understand what kind of a rearrangement basically take place and how they rearrange themselves. Okay, <clears throat> now suppose if I take an example of cyclopentane. कार्बोकाटायन ओके यह येर इज अ पॉजिटिव चार्ज दिस काबोकाटायन इसको आप समझ लीजिए इज लाइक दिस दिसक्लोपेंटेन है यहाँ पर एक सी एच टू ग्रुप है इस पे प्लस चार्ज है इज़ अ हाइड्रोजन आइटम सो इफ यू माइग्रेट दिस हाइड्रोजन आइटम ओवर यर, इट रिजल्ट इन टू दमेशन ऑफ सी एच थ्री पूरा एच माइनस आपने शिफ्ट किया अटर बट ये इतना स्टेबल नहीं होगा वाई बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज कैरियड बाई सा बट अगर आपने ये पूरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया और इसको शिफ्ट करा दिया पूरे बॉन्ड को ही दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटायरली शिफ्ट ऑन दिस कार्बिन आइटम तो द स्ट्रक्चर बिकम लाइक दिस सी देखिए अभी ये कार्बिन इस कार्बिन से अटैच है तो मैं यहाँ यहाँ एक कार्बिन बना रहा हूँ दिस वन और ये कार्बिन इससे अटैच हो गया और इस कार्बिन पे

विद कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर करते थे पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट करेंगे अब वही बात हो गई हाइड्रोजन योर डायरेक्ट हाइड्रेट शिफ्ट हो सकता है या ट्रशरी बन सकता है बट नो no, इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा साइक्लो से ज्यादा स्टेबल कौन है साइक्लोपेंटीन तो इफ दिस इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट योर इट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटीन स्ट्रक्चर तो वाई दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज साइक्लोहेक्गजेन में अब ये जो कार्बन है ये sp2 टू बन गया इवन ये भी कार्बन यहाँ पर एस टू है बॉन्ड एंगल जो साइक्लोह वो 120 डिग्री है एस टू का भी कितना होता है 120 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन निल है इसके लिए इसका आंसर जीरो पॉइंट फोर या जीरो किलो जूल आता है रिस्पेक्ट टू एंगल ट्रेन साइक्लोपेंटेन ये एंगल वॉज नाइन्टी डिग्री तो पॉजिटिव चार्ज अगर आप रखते तो वो वन ट्वेंटी के क्लोज नहीं होता नाइन्टी होता बट अगर पॉजिटिव चार्ज आप साइक्लोपेंटिन में रखोगे तो योर द साइक्लोपेंटिन एंगल इज वन नॉट एट इज मोर देन नाइन्टी डिग्री एंड क्लोज टू वन ट्वेंटी एज कम्पेयर टू नाइनटी डिग्री तो योर द स्ट्रेन विल बी मिनिमम तो दिस इज कॉल्ड एज रिंग एक्सपानशन टू गेट दिस स्टेबिलिटी रिमेंबर इन फ्यू एग्जाम्पल्स आपको रिंग एक्सपांशन भी पूछे जाएंगे तो रिंग एक्सपांशन में यू शुड बी रेडी आपको देखना है कि इन विच केस द काबू कटाइन इज शिफ्टिंग टू गेट दी मैक्सिमम रिंग अभी एक एग्जाम्पल ऑन देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अलोब्यूटे दर इज अ पॉजिटिव चार्ज योर नो योर इन दिस केस यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे इफ आई शिफ्ट दिस एंटायर पैर योर नो दिस इज नॉट एक्सपांडिंग दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग ये एक्सपांशन के एग्जाम्पल हो गए क्यों सर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसका रीजन क्या उसका रीजन इफ आई शिफ्ट दिस योर अब ये सीधा तीन खाब इनमें कन्वर्ट हो जाएगा Entire bond shift here. The positive charge, अब ये जो बॉन्ड है ये बाहर आ जाएगा लाइक दिस बी अव चार्ज अब ये क्या बन गया सीपीएम साइक्लोप्रोपाइन कार्बन कटाइन विच इज मोस्ट स्टेबल फॉर क्लियर अब इस सी पी एम से इफ दिस इज अम सर यहां पर भी एक हाइड्रोजन है तो कैन वी शिफ्ट दिस पॉजिटिव चार्ज कैन वी शिफ्ट दिस हाइड्राइड योर एंड कैन मेक अ अनदर स्ट्रक्चर लाइक दिस बिकॉज ये स्ट्रक्चर आपने बनाया वो प्राइमरी है नो डाउट सीपीएम इज मोर स्टेबल देन द साइक्लोब्यूटेन प्राइमरी है बट ये स्ट्रक्चर तो आपने क्या बना दिया टर्शरी तो क्या ये बनेगा नो नो इट्स नॉट पॉसिबल वाई बिकॉज यूर द पॉजिटिव चार्ज इज अगेन प्रेजेंट ऑन द रिंग यहाँ रिंग इट शुड इट शुड बी अराउंड वन ट्वेंटी डिग्री बट रिंग कितना है सिक्सटी डिग्री दे विल भी एंगल श्रेंड तो इसका पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा बट 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 अगर कभी मैंने ये एग्जाम्पल दी हैगजाम्पल यूर सी प्रॉपरली इन दिस एग्जाम्पल बॉन्ड योर देर इज अ पॉजिटिव चार्ज योर तो क्या सर आप शिफ्ट करा सकते हैं यहां से हाइड्राइड सी देर इज ओनली अ बॉन्ड डिफरेंस येस यू कैन डू इट वाई यू कैन डू इट बिकॉज वेन यू डू अ वन टू शिफ्ट इट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ अ कटाइन योर विच कैन बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेस प्लस 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 वन मोर थिंग दिस स्ट्रक्चर अटेंड एरोमैटिसिटी तो एरोमेटिक होने की वजह से आप बॉन्ड शिफ्टिंग कर सकते हैं क्लियर है तो एक्सपांशन कहाँ करना है कॉन्ट्रैक्शन कहाँ करना है यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइस